दो फिल्म्स की हैं और करने की प्लान है, दैट इज़ व्हाट द प्लान इज। अब एल्बम कर रहे हैं जो रिलीज़ करेंगे बहुत जल्दी, और बस यही है। आप बताइए। उस एल्बम के बारे में बताइए जो आपके आने वाली है। सो ये एल्बम में होंगे 6 गाने जिसमें बहुत सारा कुछ कर रहे हैं हम लोग। इट्स गोना बी अ कंप्लीट पार्टी एल्बम। फंक करेंगे और डिस्को करेंगे, और इट्स नॉट अ नॉर्मल, जो अभी जो ट्रेंड है वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इट बी अ कंप्लीट फन ट्रैक। लॉट ऑफ एक पंजाबी नंबर कर रहे हैं जो मसाला के तरीके से यूज़ करेंगे उसको। आपके जो म्यूजिक डायरेक्टर है और आप, क्या डिफरेंस, क्या अलग होगा? देखिए म्यूज़िक में 700 तो होते ही, हाँ वही 700 हैं, अपने अपना एक जोन है जो लोगों को पसंद है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर या म्यूजिशियन बहुत कुछ अलग करूँगा, तो लेकिन प्लान है कि अच्छा म्यूज़िक करें, अच्छा एक स्टोरी टेलिंग करें। मेरा हमेशा से प्लान था कि मैंने म्यूज़िक इसलिए शुरू किया था कि बहुत सारी कहानियाँ थी मेरे पास जो मुझे एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर बोलनी थी या मेरी म्यूज़िक के थ्रू बोलनी थी, तो इवेंचुअली वही प्लान है। हमने एक बड़े डॉक्टर के पास इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि पहले के दौर में संगीत हुआ संगीत और गाने सुनने होते, आज गाने जो शब्द है सुना देते नहीं, सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक। सही बात है। आपका क्या ओपिनियन इस पे और आप किस तरह की म्यूजिक सुनाई दी लगे? देखिए मेरे लिए, क्योंकि मैंने शुरू भी मेरे डैड के कलेक्शन से किया था, सो मैंने बहुत सारा गज़लें भी बहुत सुनी हैं, तो आई थिंक उस टाइम पे व्हाट ही वुड हैव मेंट वाज कि मेलोडी होती थी, जो मेलोडी पे खास ध्यान दिया जाता था, आपके जो डिक्शन है उस पर खास ध्यान दिया जाता था, या आपकी फ्रेजिंग है गाने की उस पर ध्यान देते थे। अब इट्स मोर अबाउट डांसिंग, और यही सब लाइव शोज़ में भी हो गया कि आप जब लाइव शोज़ करेंगे तो आपको लोगों को भी नाचना है, आपके आपके गाने सुनने तो हैं लेकिन उनको सुनने के साथ नाचना भी है, उनको वो गानों के साथ ग्रूव भी चाहिए। सो आई थिंक मैं जो कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, मेरे जितने भी पुराने भी गाने हैं, जितने मैंने गाने किए हुए हैं, उनमें भी मेलोडी को फोकस रख के लिरिक्स साफ हो, और बस ये प्लान होता है। क्या मेरे सुनने का प्लान हमेशा डिफर करते रहता है, तो कभी मेरा कोई क्लासिकल जोन आ जाएगा, या मैं कभी सूफी जोन में चले जाऊंगा, या फिर जब नाचना है तो नाच ही रहे हैं, फिर 3-4 दिन फिर नाचते रहेंगे ऐसा। कोई होगा फेवरेट सॉन्ग आपके कम घर में रहते तो कौन से गाने? मैं बहुत अलग अलग गाने सुनता हूँ घर में। आजकल लेटेस्ट जो है वो है ये दिल दियाँ गल्लां सुन रहा हूँ मैं, विच इज़ रियली नाइस, विच आई थिंक इज़ नाइसली फ्रेज्ड, अच्छा एक गाना है। मैंने तारीफ़ा का रेप्राइज वर्जन सुना, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुली डन, लीसा मिश्रा का आई थिंक वर्जन है वो, सो दैट इज़ अमेजिंगली डन एज वेल। सो या जब परफॉर्मेंस की बात करें, आपने कई लाइव जी कैसा रहा? बहुत ब्यूटिफुल, और सबके साथ एक्सपीरियंसेस बहुत अलग होते हैं, लाइक हरी का लाइव प्रेजेंस बहुत अलग है। मेरे दिमाग में जब हम लोग एक्चुअली अरिजीत के लिए कर रहे थे, एंड तो मेरे दिमाग में था बड़ा काम सा लड़का होगा, एंड दैट वाज हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस इन अहमदाबाद, तो मेरे को लगा बड़ा काम सा लड़का होगा, काम तरीके से करेगा और ऐसा सब, बट व्हाट अ हाई एनर्जी परफॉर्मेंस, लाइक प्रॉपर रॉकस्टार परफॉर्मेंस है वो। शायद नाचेगा नहीं लेकिन जिस तरह से गाएगा, जिस तरह से परफॉर्म करेगा, लोगों को कंट्रोल करेगा, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। सेम विद सोनू जी, इतनी एनर्जी है और वही 3 घंटे वही एनर्जी रहेगी पहले गाने से लास्ट गाने तक। गुरु का भी वही एनर्जी है, आएगा पहले गाने से उसको नचवाना शुरू कर देगा लोगों को, एंड दैट्स व्हाट पीपल वांट एज वेल आई थिंक। और हर एक आर्टिस्ट के साथ उनका एक अलग लगाव भी हो जाता है, तो इसलिए वो सुनने आ रहे हैं कि क्योंकि उसके ये वाले गाने सुने हैं, वो पॉपुलर हो गए हैं, और उसी वजह से उनका एक्सपीरियंस भी लेना है लाइव के क्या कर रहे हैं। तो आपकी क्या किससे अच्छी बॉन्डिंग है? मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी रही है, वी हैड अ वेरी ग्रेट टाइम विथ अरिजीत एज वेल, वी हैड वेरी गुड टाइम विथ मीका जी, मीका बाजी के लिए हम लोग ने ओपन किया था हिमाचल में, वो वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, और मीका जी का फैन फॉलोइंग इज क्रेजी, मतलब नॉर्थ में कुछ ट्रक भर भर के लोग आए हैं गाँव से, हम लोग हिमाचल में कर रहे हैं, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से,
ट्रक भर भर के आए हैं लोग, सो 45,000 प्लस क्राउड विच इज क्रेजी, सो पागलपन था वो। दलती हुई शाम करके है जो अब जी से रिलीज होगा, एक फिल्म की है मैंने बियॉन्ड ब्लू करके जो कांस फिल्म फेस्टिवल गई थी 2015 में, लास्ट 2 महीने पहले एक गुजराती फिल्म की दिल केमिस्ट्री करके, सो उसके गाने बहुत पॉपुलर हो गए हैं बैक इन द रीजनल, गुजराती में है वो। मारा दिल नी हर तार मा तू छे, मारा हैया नी पुकार मा तू छे, जो हूँ चांद तो तू रात छे मारी, मारा शब्दों नी मिठास मा तू छे, तू ताजगी फूलों नी ने एहसास मारो, मारा जीवन ना उल्लास मा तू छे, तू छे, तू छे, मारा जिंदगी नी आखरी श्वास मा, सो तू छे करके गाना है। बहन जी अब मानते हो कि आज कंपटीशन बढ़ चुका है, टफ हो गया है, काफी लोग आ रहे हैं। हाँ कर रहा था। कंपटीशन तो बहुत हो गया है लेकिन उतनी स्पेसेस भी बढ़ गई हैं। आपको म्यूजिक दिखाने के लिए स्पेसेस इतनी ज्यादा होंगी एंड मेरे को लगता है जितना ज्यादा म्यूजिक होगा उतना अच्छा है, तो उतना ही रिफाइन होने के लिए लोगों के लिए भी एक्सपोजर बढ़ेगा, उतना रिफाइन भी हो गया म्यूजिक। इनफैक्ट मैं तो ये 15 साल से बोलते हुए आ रहा हूँ कि अच्छा वो जो रिफाइनमेंट में जो कचरा है वो ऊपर रहेगा और निकलेगा, लेकिन फिर और भरते जाएगा और भरते जाएगा, तो वो सब चल रहा है। आई थिंक दैट इज इन अ वे गुड ऑल्सो, क्योंकि लोगों को एक्सपोजर बहुत हो रहा है अलग अलग म्यूजिक का। एक तरह का जो म्यूजिक हो रहा था एक टाइम पे, वो उससे वो फोकस भी हट रहा है और बहुत सारा अलग अलग किस्म का म्यूजिक भी हो रहा है। बनी जी हर किसी के लाइफ में उनका एक गुरु होता है, आपके लाइफ में आप अपना गुरु किसको मानते हैं? या मेरे डैड, आई थिंक उनसे, मेरे पेरेंट्स, मेरे, मेरे को नहीं लगता उनसे ज़्यादा कुछ कोई भी कुछ सिखा सकता मेरे को, एंड द लाइफ एक्सपीरियंस। आई थिंक द बेस्ट व्हाट दे टॉट मी वॉज टू बी, उन्होंने मेरे को जो मुझे करना था वो करने भी छोड़ दिया था, और एंड देन यू हैव योर ओन एक्सपीरियंसिस, सबकी अपनी अपनी एक जर्नी है और सब ट्रैवल वैसे ही करने वाले ना। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है इनके। इनफैक्ट वी प्लानिंग ऑन वर्किंग ऑन लॉट ऑफ स्टफ टुगेदर, द कंप्लीट टीम इज मैसिव, सूरज हैज बीन वर्किंग लाइक क्रेजी, सो अमेजिंग, या हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। क्या मैंने अपना पहला स्टेज शो जो था वो मैं 4 साल का था तब किया था, तो तब से आई हैव बीन डूइंग म्यूजिक। उसके बाद फिर देन यू गेट इनटू लर्निंग म्यूजिक, सो मेरे गुरु जी थे भरूच में, आई वाज बॉर्न भरूच, गुजरात में एक छोटा सा शहर है, सो उनसे फिर सीखना शुरू किया और फिर द जर्नी कंटिन्यू। कौन सा गाना था? बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा मैं स्टेज पे जो गाया था, मेरे पापा एक्चुअली गाया करते थे और मैंने उसी को मेहंदी हसन जी की गजल थी एक रंजिशी से ही करके, रंजिशी से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। तो ये एक गजल थी जो वेरी बहुत ही प्यारी गजल है, वेरी ब्यूटीफुली रिटन एंड एवरीथिंग। तो लास्ट मिनट तक ना चाहिए, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारा म्यूजिक करने का प्लान कर रहे हैं हम लोग, आपका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, और दैट्स इट। और बहुत सारा अच्छा म्यूजिक भी हो रहा है तो उसको भी सुनिए, और अच्छा म्यूजिक सुनिए प्लीज, जो बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छा म्यूजिक। ये एक ब्रांड है बियर्डो करके, उन लोग के लिए गाना लिखा था मैंने कॉल मूड स्वैग, जो बहुत फिर इवेंचुअली पॉपुलर हो गया था। सो मूड स्वैग बेसिकली इज अ सॉन्ग ऑफ कन्फ्यूजन ऑफ अ गाय विद अ दाढ़ी, मतलब एक बंदा है जिसकी दाढ़ी है उसकी लाइफ का कन्फ्यूजन क्या है। सो
goes, but अरे भूल गया, बढ़ गई है मेरी दाढ़ी बिन पैसे के उधारी, लगता हूं मैं मवाली ऐसा मम कहे, मुझे क्यों लगता है क्या फर्क पड़ता है, दाढ़ी है बड़ी करारी गर्लफ्रेंड कहे, देख देख के उसको सब लोग जलते हैं, पर है ये मुझको प्यारी और मैं कहूं मूछ स्वैग अगर मूछ स्वैग सो मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।